दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टीवी का तड़का में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे। कौन कौन सी हैं 7 छोटी बड़ी खबरें, बताते हैं आपको भी इस वीडियो में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। ब्रेकअप पर आमने सामने करण अनुष्का एक दूसरे पर कही ये बात। साल 2020 में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कपल्स करण कुंद्रा और अनुष्का दांडेकर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अनुष्का ने एक लंबी पोस्ट में खुलासा किया था कि करण ने उन्हें धोखा दिया था। ऐसे में लंबे समय से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए करण ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, मैं अब तक सिर्फ हमारे रिश्ते की इज्जत की खातिर चुप रहा और अब भी चुप ही रहना चाहूंगा। इस वक्त मैं हम दोनों के परिवार के बारे में सोच रहा हूं, नहीं तो मैं भी मुड़कर बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में अनुषा ने इंस्टाग्राम पर चैट सेशन के दौरान ब्रेकअप पर बात की और खुलासा किया था कि करण कुंद्रा ने उन्हें धोखा तो दिया ही पर माफी तक नहीं मांगी। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। माँ के ऑपरेशन से पहले भावुक हुई राखी सावंत। जी हाँ, राखी की मां कैंसर से जूझ रही है और काफी समय से अस्पताल में भर्ती भी हैं। इस बुरे समय में सलमान और उनके परिवार ने राखी का काफी सपोर्ट किया। अब राखी की मां का फाइनल ऑपरेशन होने जा रहा है और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक्टर का आभार व्यक्त किया है। राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनकी मां अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही है। राखी मास्क पहने हुए उनसे दूरी बनाए हुए खड़ी हैं। राखी इस वीडियो में कहती हैं, आज मॉम का ऑपरेशन है, फाइनली डॉक्टर संजय शर्मा उनका कैंसर पूरी तरह से निकाल देंगे। माँ, बाप का कैंसर निकल जाएगा हमेशा के लिए। इसके बाद राखी माँ से पूछती भी है कि आप सलमान जी को क्या कहना चाहोगे। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पहुंची दिशा वकानी उर्फ दया बहन। जी, दिशा वकानी लंबे समय के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक वो अपने को एक्टर से मिलने पहुंची थी। दिशा के सीरियल्स में काम करने वाले स्टार्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और यही वजह है कि वक्त निकाल कर वो उनसे मिलने पहुंची थी। हालांकि वो शो में वापसी करने वाली है या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। वैक्सीन और दवाओं की कमी को देख गुरमीत चौधरी ने की ये बड़ी अपील। जी हाँ, दरअसल एक्टर गुरमीत चौधरी से कोरोना महामारी की मार झेल रहे बहुत से लोग और फैंस मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद ना कर पाने पर वो खुद को बहुत लाचार समझ रहे हैं। गुरमीत ने लोगों से अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने और संभव हो तो उन इंजेक्शनों और दवाइयों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक नंबर भी शेयर किया है जिस पर लोगों से संपर्क करने को कहा है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। दिशा परमार से देवोलीना ने पूछी शादी की तारीख, मिला ये मजेदार जवाब। जी हां, ट्वीट के जरिए देवोलीना ने पूछा, राहुल वैद्य और दिशा परमार, हम तुम दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो दिन कब आएगा। देवोलीना भट्टाचार्य का ये ट्वीट देखकर दिशा परमार से भी रहा नहीं गया और उन्होंने टीवी की सदाकारों को बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। देवोलीना की पोस्ट पर कमेंट करते हुए दिशा ने लिखा, फिलहाल ये वाली वेडिंग बेल्स से काम चला लो। इसके साथ ही दिशा परमार ने अपनी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो मधानिया का पोस्टर भी शेयर किया है, जिसके बाद देवोलीना और दिशा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। गोवा में शुरू हुई कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की शूटिंग। जी, जहां एक तरफ महाराष्ट्र पर शूटिंग रुकी हुई है तो वहीं गोवा में एकता के दो शो कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की शूटिंग शुरू भी हो चुकी है। सेट से दोनों ही शोज की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक्ट्रेस रितिजा अपने एक सीन को शूट करती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में कुंडली भाग्य की स्टार कास्ट को देखा भी जा सकता है। टीवी का तड़का, सातवें और आखिरी टॉप न्यूज। स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर के टाइम स्लॉट को किया गया चेंज। जहाँ स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 21 अप्रैल से ये शो शाम 7:30 बजे के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबर। ऐसे ही हर खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्रेजी 4 टीवी के साथ।